मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको मेरी ओर से बधाई हो। आज अक्टूबर महीना पूरा जो है, हमने परमेश्वर की आवाज को प्रतिदिन सुबह हमने देखा है। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के दिन, आज 30वां तारीख है, आमेन, इस महीने के आखिरी दिन में आ गए हैं, सिर्फ एक दिन बाकी है। आज के दिन भी परमेश्वर आपसे बात करने वाला है और वह वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रेरित पौलुस फिलिपियों के कलीसिया को पहले अध्याय के 27वें वचन में जो आखिरी भाग है उसे मैं पढ़ना चाहता हूं। एक चित्त होकर, एक आत्मा में स्थिर होकर, एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। सिर्फ यहां पर एक शब्द को हम देखने वाले हैं, आत्मा में स्थिर। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक स्थिरता को हमारे अंदर बनाता है, एक मन में स्थिरता, अपनी सोचों में स्थिरता, हमारे विचारों में स्थिरता, सब एक ही बात है। तो जो अस्थिर चीजें हैं, तमिल में कहते हैं अगर पकड़ ले तो कठोर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वह डाली बहुत स्थिर है। कहते हैं ना, जाकर तुमने बिल्कुल जो अस्थिर है उसे क्यों पकड़ा, ऐसी डाली को पकड़े तो नीचे गिर जाएंगे, हमें ठेस पहुंचेगी। परमेश्वर के नाम से मैं बहुत ही प्रेम के साथ आपको यह बात बताना चाहता हूं कि हर वक्त आत्मा में स्थिर रहो। मैं अभिषेक पायो परमेश्वर का बच्चा हूं, परमेश्वर की आत्मा कभी कोई गलती नहीं करेगा। मेरे घर में जो कुछ भी परमेश्वर करेगा सब ठीक ही करेगा, कुछ भी मेरी जिंदगी में उसको न जाने नहीं होती है, सब उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। उसकी इच्छा को मैंने अपने आप को सौंप दिया है, वह मुझे चलाएगा। ऐसा आप सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते, प्रार्थना करते रहो, आपकी आत्मा सदा स्थिर रहे, आमेन। मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में आप जो कुछ भी समस्याओं से झेल सकते हो, जो कुछ भी समस्या उसको विरोध कर सकते हो, दफ्तरों जाते हैं उनके लिए कहता हूं, समस्या है चिंता मत कीजिए, धंधा करते हो उतार चढ़ाव है निराश मत होइए, शरीर में बीमारी है बहुत दिनों से आप झेल रहे हो, परमेश्वर में सदा दृढ़ होते रहो। बच्चे तकलीफ देते हैं, कहिए कि परमेश्वर एक अद्भुत करने वाला, जरूर एक बदलाव आएगा। उसके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे साथ मिलकर आमेन हाथ उठाकर आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। हे पिता, तेरे बच्चों के ऊपर कभी न बदलने वाला हाथ उनके ऊपर रहे, अस्थिर नहीं बल्कि स्थिर बनकर रहे, आशीष का जीवन पाते रहे, इस अभिषेक के द्वारा उनके मन को भरता रहे, परमेश्वर की दया का हाथ सदा उनके ऊपर बना रहे, जो बीत गए बीती रहे, अब अभिषेक में स्थिर बनकर रहने लगे। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, अद्भुत से कामों के लिए इसलिए तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। किसी भी चीज को लेकर चिंता ना करें, भयभीत ना हो, ना सोचें, परमेश्वर में स्थिर रहें, आत्मा में स्थिर रहें, सभी समस्याओं को झेलने के लिए देख नया अनुग्रह तू दे रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुन लिया इसलिए तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। आप भी हाथ उठाकर हे प्रभु आज जो अद्भुत तू करने वाला है तेरी स्तुति हो, ऐसा कह दीजिए। परमेश्वर अनुग्रह पूर्वक आपको चलाता रहेगा। परमेश्वर सदा खुश रहिए, फिर मिलेंगे, दूसरों को जरूर शेयर करें। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस छोटे से संदेश के बारे में दूसरों को जरूर बताएं, जो आपने सुना है, जो आंखों में देखा है, उसे जरूर लोगों को बांटें, तभी उनका विश्वास स्थिर होगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल
gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।